हम लोग चैप्टर सेकंड पे थे। चैप्टर सेकंड का नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट फैट पढ़ा चुके हैं, पर आज प्रोटीन देखेंगे। एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी कंटेन प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर प्रोटीन होता है। डाइजेस्टिंग जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पर्टिकुलर एंजाइम काम में आती है, तो ये जो एंजाइम बनती किस है, एंजाइम प्रोटीन के कारण ही बनती है। तो प्रोटीन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। प्रोटीन बना किससे होता है, प्रोटीन किस किस में होता है, जो अपनी मसल्स होती है वो प्रोटीन से बना होता है, स्किन है, एयर है उसमें प्रोटीन होता है, ब्लड के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। फिर है रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। अपनी जो डाइट प्रोटीन का क्या क्या काम है, सबसे पहला है प्रोटीन बिल्ड्स न्यू टिश्यूज एज वेल हेल्प्स टू मेंटेन टिश्यूज हेल्थ। प्रोटीन हेल्प इन द ग्रोथ। प्रोटीन सबसे पहला जो उसका यही है कि ये अपनी ग्रोथ के लिए काफ़ी काम आता है। ये जो इसका काम क्या है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, न्यू टिश्यूज बनाना, पुराने टिश्यूज को रिपेयर करना। सेकेंड है प्रोटीन हेल्प्स इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम वाइटामिन। कुछ वाइटामिन और हार्मोन्स को बनाने के लिए भी ये काम आता है। वेन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी इज नॉट फिल्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट के कारण एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है एनर्जी आपको, तो ये प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी। फिर प्रोटीन्स को एनर्जी की जगह काम में लेते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसको प्रोटीन फुलफिल करता है। डी प्रोटीन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी। चाइल्डहुड के दौरान, एडोलेसेंस के दौरान और प्रेगनेंसी के टाइम फ्रेम में प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर है अब इसके सोर्स क्या है। अभी तो अपन ने देखा, इससे पहले अपन ने देखा कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो होता है, इसे जो अपन खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए, तो उस एंजाइम्स जो प्रोटीन होता है वही वो एंजाइम्स बनाता है। अपने पहले ये देखा, फिर देखा कि प्रोटीन होता है किसमें, अपनी स्किन में होता है, मसल्स में होता है, हेयर्स में होता है और हीमोग्लोबिन में भी होता है। फिर प्रोटीन का काम क्या है, क्या क्या करता है, तो सबसे पहले था रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, फिर हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। और ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी और एडोलेसेंस के दौरान जब जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी प्रोटीन ज़्यादा जरूरी। ये तो देख लिया, लेकिन अब प्रोटीन का सोर्स क्या है, उनको प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है। जैसे फूड है, जैसे मीट, फिश, एग्स, मिल्क, सोयाबीन, ये सब में प्रोटीन होता है। सम प्रोटीन्स आर एसेंशियल इन माई डेली फूड बिकॉज द बॉडी हैज लिटिल अमाउंट ऑफ स्टोर्स प्रोटीन्स। अपनी बॉडी में कुछ थोड़ा सा प्रोटीन स्टोर भी रहता है, क्योंकि अपन प्रोटीन जैसे दाल तो अपन हमेशा खाते ही हैं। एक्सेस प्रोटीन आर आइदर ब्रोकन डाउन। जो ज़्यादा प्रोटीन होता है या तो वो टूट जाता है या फिर यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। फिर है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर प्रोटीन की कमी आ जाती है तो क्या होगा, अभी देखते हैं। अ डाइट डज नॉट हैव, अगर आपकी जो खाने में प्रोटीन नहीं है पूरा, तो आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे। प्रोटीन कैलोरिक मैलन्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन। तो जो प्रोटीन कैलोरिक, अगर आप इसमें आप ये आपके पास नहीं है कुपोषण है, तो इसको PEM भी कहा जाता है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहा जाता है। इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डिजीज कॉजेज। अगर आपकी बॉडी में जैसे कुछ डिजीज होते हैं ना, जैसे क्वाश्चर है, ये किसके कारण होता है, अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो उसको ये क्वाश्चर हो जाता है। इससे पता है क्या होता है, मोस्टली बच्चों को होता है। इससे बच्चों की जो बैलेंस होती है, पेट हो जाता है, वो फूल जाता है और आर्म्स और लेग्स तो बिल्कुल पतले होंगे लेकिन उनका जो स्टमक होता है वो फूल जाता है। इट विल ऑल्सो कॉज चेंज इन टेक्सचर। इनसे उसकी स्किन में भी चेंज हो जाता है और बालों का कलर उनका अलग होता है। वॉश्कर इज फिटल अनलेस अ पेशेंट इज गिवन प्रोटीन अलॉन्ग विद फूड एंड कैलोरी। फिर उनको जो पेशेंट को प्रोटीन दिया जाता है फूड और फूड के साथ। इफ द डाइट इज स्पेशली लो इन कैलोरीज देन द कंडीशन इज कॉल्ड मेरेस्मस। अगर फिर ये मेरेस्मस डिजीज भी प्रोटीन के कारण ही होता है। मेरेस्मस यूजुअली अटैक्स
इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन कॉजेस एक्सट्रीम लॉस इन वेट एंड वीकनेस। एक तो फर्स्ट करो जिससे क्या बच्चों के जो आर्म्स और लेग्स तो थिन होंगे लेकिन उनकी जो बेलीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है, ब्लोटेड बेलीज होती है। फिर एक मेलेसमस है, ये बच्चों को होता है, इसमें क्या होती है काफ़ी वीकनेस होती है, उनका वेट कम हो जाता है। फोर्थ है वाइटमिन, तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो और अच्छी हेल्थ के लिए क्या है वाइटामिन ज़रूरी होते हैं। कुछ वाइटामिन के नाम हो जैसे वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। हर वाइटामिन का अपना फंक्शन होता है। वाइटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी ग्रेट क्वान्टिटीज बाय अवर बॉडी, काफ़ी कम चाहिए होता है अपनी बॉडी में। जैसे अगर मान लीजिए वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जो वाइटामिन क्या है अपन को चाहिए डेली लेकिन क्या स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन ये दो रीजन है इसके लिए काफ़ी एसेंशियल क्यों है। वाइटामिन हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बोन्स हील बोन्स पॉलिस्टर आईसाइट एंड असिस्ट इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसे वाइटामिन जो होता है इम्यूनिटी बनाने में काफ़ी यूजफुल होता है, हड्डियों को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और जो घाव होते हैं उनको भी काफ़ी जल्दी भरने में हेल्प करता है, इससे आईसाइट भी अच्छी रहती है। अगर मान लीजिए आपने काफ़ी डिजीजेस पड़े होंगे कि जैसे विटामिन सी की कमी से ये डिजीज हो जाता है, विटामिन डी की कमी से ये डिजीज हो जाता है, अगर कोई भी विटामिन आपके कम हो गया तो आपको अलग अलग तरीके की डिजीज हो सकते हैं, जैसे वाइट ब्लाइंडनेस है, स्कर्वी है, ये सब वाइटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो सेकेंड है मोर मैनी ऑफ द वाइटामिन हेल्थ एंजाइम्स टू डू देयर टास्क एंड द रेगुलर बॉडी एक्टिविटीज। ये जो वाइटामिन होते हैं एंजाइम्स को अपना काम करने में हेल्प करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अपनी जो बॉडी एक्टिविटीज है उसको यही रेगुलेट करता है। फिर है मिनरल्स क्या होते हैं, अपनी बॉडी में कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में मिनरल्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ये कुछ मिनरल्स हैं। इन एलिमेंट्स को कहते हैं मिनरल्स। ये अपनी बॉडी में काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए लेकिन इसकी थोड़ी सी भी कमी आ जाती है तो इससे क्या हो जाता है, जैसे अगर अपनी बॉडी में कैल्शियम होगा ही नहीं तो क्या अपनी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होंगे, पसीने चला नहीं जाएगा, हड्डियों में दर्द होगा। फिर है जैसे अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होगा, नमक ज़्यादा हो जाता तो क्या हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो खून की एनीमिया हो जाता है। अगर ये चाहिए तो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में लेकिन इनकी कमी आ जाती है तो ऐसे डिजीजेस हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम का फूड, कैल्शियम मिलता कहाँ से है, जैसे मिल्क, एग्स, चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट से आता है कैल्शियम। फॉस्फोरस भी मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, पीस, बनाना, सीरियल से आता है। आयरन लेवल मीट, एग्स, बनाना, एप्पल्स, स्पिनच, आयोडीन मिलता है सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, सोडियम मोस्ट फूड फ्रूट्स के अलावा काफ़ी सब में होता है। फिर पोटेशियम से ड्राई फ्रूट्स है, एप्रिकॉट, बनाना और पोटैटो। फिर मिनरल्स की अगर मान लीजिए डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम काफ़ी ज़रूरी होता है बोन्स और टीथ के लिए। द मेन सॉल्ट इन बोन एंड टीथ इज कैल्शियम फॉस्फेट, जो कैल्शियम फॉस्फेट मेन सॉल्ट है बोन्स और टीथ में। आयरन इज ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, अपन ब्लड को हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन हीम का मतलब ही आयरन होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया, अगर आयरन की कमी होती है तो एनीमिया डिजीज होता है। आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड, आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर थायराइड की अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गॉइटर डिजीज हो जाता है जिससे आपकी जो नेक होती है वो स्वेलन हो जाती है। तो फिर है वाटर, अ पर्सन कैन लिव, आप खाना खाए बिना तो काफी दो तीन दिन तक रह सकते हो लेकिन क्या आप पानी के बिना एक दिन भी रह सकते हो। अपनी बॉडी में जो क्या है बॉडी वेट 60-70% अपनी बॉडी में वाटर होता है। वाटर इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स खाना खाते हो उसके अंदर भी क्या होता है वाटर होता है। तो अपन को क्या अपनी बॉडी से टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंस होते हैं अपनी बॉडी में, उसको मिटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना चाहिए। अपन को
नीचे आपकी कमी में पानी, आपके शरीर में पानी की कमी आ जाती है तो क्या होता है, आपको काफी कमजोरी महसूस होने लगती है, चक्कर आ जाते हैं। तो अभी अपन देखते हैं जब अगर आपकी बॉडी में मोशन की कमी हो जाती है तो क्या होगा। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वाटर अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन जो पानी पीते हैं जो, लेकिन अपनी बॉडी में क्या यूरिन और स्वेट की फॉर्म में वाटर चला जाता है। सो इट इज टू मेंटेन द बैलेंस, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। सेवरल लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी कॉजेस डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पानी ज्यादा होता है जिससे आपको डिहाइड्रेशन होता है, जिससे कि आपकी बॉडी वीक हो जाती है। द ब्लड गेट, इससे डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है, ब्लड खून मोटा हो जाता है। देयरफॉर इट मूव्स मोर स्लोली इन द बॉडी कॉजिंग सेवरल पेन एंड सेंसेशन इन द मसल्स। अगर आपकी बॉडी में इससे पानी की कमी आ जाती है तो इससे आपका ब्लड क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है, जिससे आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये जब आप इस कंडीशन में होते हो तो डॉक्टर आपको ORS का जो मिक्सचर होता है वो देते हैं, उसके अंदर शुगर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जो क्या है गर्मियों में, इसीलिए तो आपको कहते हैं कि ग्लूकोज पिया करो। सो हैंस ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कीप अस फिट एंड हेल्दी। बट रिमेंबर डू नॉट वेट फॉर बीइंग थर्स्टी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज व्हेन यू फील थर्स्टी वाटर डेफिशिएंसी हैज ऑलरेडी। तो इसीलिए तो आपको गर्मी में कभी ग्लूकोज देते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको ORS का घोल देते हैं। आपको अगर कह रखा है कि जैसे हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, आप इसका वेट मत करो कि अभी मुझे प्यास लगी है तभी मैं पानी पीऊंगा। आपको पानी पीना चाहिए, टाइम टू टाइम पीना चाहिए। आप ऐसे सोचते हो कि अभी मेरे को प्यास लगी है मैं तभी पानी पीऊंगा, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तभी आपको थर्स्टी महसूस करते हो, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम वाटर पीना चाहिए। तो वाटर आपके लिए काफी नेसेसरी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।